बटलर ने आज थोड़ी सी अलग पारी खेली, 25 गेंदों में 22 रन, 2 के स्कोर पर पानी का लाउट हुए। कॉटन बोल्ड उमेश यादव, संजू सैमसन 49 गेंदों में 54 रन, 13 में 13 ने करुण के और रियान पराग के खाते में 12 गेंदों में 29। फिर आए शिमरन हेड फायर, ही वाज ऑन फायर, 13 गेंदे 27 रन उन्होंने बनाए, 152/5 है। कोलकाता के स्पिनर्स को देखिए, 8 ओवर में मात्र 47 रन दिए। सुनील नारायण अनुकूल पिच पे, ये पिच स्पिन गेंदबाजी के लिए शायद अनुकूल है, तो वहां पे आपको मिलेंगे यूजी जैन साहब, जाओगे रविचंद्रन अश्विन। आज की नाइट, नाइट के नाम कोलकाता के नाइट राइडर्स, शुरुआत अच्छी नहीं थी, पिच आउट हुए, इंद्रजीत 15 पर आउट हुए, शिकार बने थे प्रसिद्ध कृष्णा के, उसके बाद श्रेयस अय्यर 32 गेंदे 34 रन, लेकिन असली जो कहानी थी वो पन्नी जब आए रिंकू सिंह, 7 विकेट नितिश राणा, 37 गेंदे 48 रन नितिश राणा के बल्ले से, 23 गेंदों में 42 रिंकू के बल्ले से। रसल की तो बारी आ ही नहीं, पहली बार इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के दोनों स्पिनर्स का खाता खाली, 8 ओवर में 64 रन दिए हैं, विकेट एक भी नहीं मिला, एक बोल्ड, एक प्रसिद्ध, एक कुलदीप सेठ, तीन ही सफलताएं मिल पाई आज राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को। टॉस जीता था, गेंदबाजी का किया था फैसला कोलकाता ने, 152 पे रोका, जिसमें 54 थे सैमसन के, साउदी के खाते में 2 सफलताएं और फिर 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत, अपने कैंपेन को जीवित रखने में कामयाब कोलकाता नाइट राइडर्स। KKR, they're not out yet, do or die मुकाबला था और इन्होंने कर दिखाया है।